गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 15 वेव्स। तो चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर मैंने आपको करवाए, तो दूसरा लेक्चर या पहला लेक्चर जो दूसरा मैंने पहले बताया था आपको, शॉर्ट टाइम में मतलब 5-6 वीडियो बनाने के चैप्टर कम्प्लीट करना है। और इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ जो पॉइंट्स ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव बेस एग्जाम बेस है या 12th बेस कोई टॉपिक है, तो मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपके मैसेज भी आ रहा है कि सर लेक्चर अच्छे से समझ में भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, कट सिलेबस जो निकाल देते हैं तो 5-6 वीडियो में ही कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट लेक्चर के बाद मैं 12th स्टार्ट कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 15 की बात की जाए तो लास्टली मैंने आपको सेकंड लेक्चर में जो पढ़ाया था प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ाया था। हालांकि उस हम ट्रैवलिंग वेव भी कह सकते हैं और उसकी इक्वेशन भी निकाली थी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। और उसी इक्वेशन के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज थी जिसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, किस तरीके का फॉर्मूला होता है, वो सारा डिस्कशन हमने सेकंड लेक्चर में किया था। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे और फास्ट में लेक्चर को आगे भी बढ़ाना है और बहुत कुछ आज भी हमें चैप्टर को थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ा के ले जाना है, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आप पढ़ेंगे। और थोड़ा रिमाइंड करूँ, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स, जो टाइप्स ऑफ वेव्स थे उसका फर्स्ट था मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स में और दो टाइप, मैकेनिकल वेव्स में और दो टाइप थे। एक था कौन सा, ट्रांसवर्स वेव, वो प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करता पार्टिकल, वो ट्रांसवर्स वेव, याद करवाऊंगा डेफिनेशन, याद होना चाहिए आपको। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और एग्जांपल में कहूँ ट्रांसवर्स वेव में वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात की थी मैंने, स्ट्रिंग वाला, ठीक। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है उसमें मैंने साउंड वेव्स के बारे में बताया था, जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन का अलॉन्ग ही करता है। तो ये दोनों डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आज हमें पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालना है और हाँ साथ में लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड निकालूंगा, दोनों वेव की स्पीड फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वेव फाइंड करना है, किसकी किसकी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। और ट्रांसवर्स वेव में आप एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, ऑन स्ट्रेन, उसकी बात कर रहे हैं, ऑन स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन भी लिख सकते हो, वैसे ऑन स्ट्रेन लिखोगे तब ठीक है। तो हमें स्पीड फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब ये स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों की स्पीड मुझे फाइंड करना है। दो फॉर्मूला मैं प्रूव करूंगा, ये दोनों फॉर्मूला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं वो थियरी नहीं, हालांकि मैं थियरी भी करवाऊंगा किस तरीके से प्रूव किया, लेकिन वो फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल पूछ सकता है नीट या JEE में, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला प्रूव करने के लिए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दोनों वेव की फॉर्मूला प्रूव करने के लिए मैं यूज करूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला वाली जो मैथड थी, जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला सर कहां पे पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर है मेजरमेंट यूनिट्स वाला चैप्टर, उसमें आप पढ़े थे डायमेंशन वाला, डायमेंशन कंपेयर करवाते थे और उससे फॉर्मूला प्रूव करते थे, ए बी पावर सपोज करके आपने प्रूव किया होगा, थोड़ा याद आ जाएगा। अगर सेकंड चैप्टर आपको याद होगा तो मैं फास्ट दोनों की स्पीड निकालूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करते हैं, टेंशन और म्यू पे, टी और म्यू दो क्वांटिटी पे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव किस पे डिपेंड करती है, टेंसाइल टेंशन तो समझते हो ना, फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, टेंसाइल फोर्स, क्योंकि स्ट्रिंग की बात हो रही है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी होगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरी जो क्वांटिटी उसे म्यू कहते हैं, म्यू क्या पढ़ेंगे इसे, म्यू, और म्यू का जो नाम है डेफिनेशन, म्यू को हम कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी, देखो क्या कहेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। और म्यू का फॉर्मूला यहां पे लिखा जाएगा एम बाय एल, मास डिवाइड बाय लेंथ, और उसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसे क्या कहेंगे, लीनियर मास डेंसिटी म्यू, म्यू इज इक्वल टू एम बाय एल, एम क्या है मास, तो स्ट्रिंग है ना उसका मास,
और L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि 20 मीटर की स्ट्रिंग है और 20 केजी उसकी उसका वेट है, तो उसका म्यू क्या हो जाएगा, 20/20, दैट मींस 1 किलोग्राम पर मीटर, तो उसे कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी। फॉर्मूले याद रखो, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय लेंथ, ओके। और ये जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो टेंशन और म्यू दोनों पे डिपेंड्स करती है। अब इन तीनों के रिलेटेड अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है तो मुझे यहाँ पे डायमेंशन वाली मेथड यूज करना पड़ेगी सेकंड चैप्टर में। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन वाली मेथड से टी की पावर को सपोज कर लेता हूँ ए और म्यू की पावर को सपोज कर लेता हूँ बी। आई होप कि आपको याद आ जाए, इस तरीके का सेकंड चैप्टर में पढ़ चुका, आपको याद आ गया तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको कह दूं v स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, v क्या है, स्पीड है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l1 t - 1। ये सब आपको याद होगा अच्छे से, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो याद है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला किसे बनाते हैं, तो मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है, मीटर मतलब l1 और पर सेकंड, सेकंड का t वन ऊपर जाएगा -1, आपको अच्छे से याद होगा, ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर आप सेकंड बात करते हैं t की, t को हम क्या कहेंगे, टेंशन, हमारा टेंशन है स्ट्रिंग का, और ये टेंशन एक फोर्स है, टेंशन क्या है, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 2 हो जाएगा, ओके। अब न्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यू क्या, लीनियर मास डेंसिटी, यहां से क्या बना सकते हो, ये केजी, ये मीटर, मास किलोग्राम में है और लेंथ मीटर में है, तो किलोग्राम मीटर, किलोग्राम में क्या होगा m1 और मीटर का l1, तो ऊपर -1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा m1 l-1 और t 0। आर यू रेडी, समझ रहे हो ना, बहुत इजी, अगर मैं इसका पूरा टाइम ले रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन लॉन्गिटी फास्ट मैं थोड़ी स्पीड पकड़ लूंगा, क्योंकि एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा, बार बार ये क्यों बताऊंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वाली मेथड से हमें इसका फॉर्मूला बनाना है किसका, स्पीड ऑफ ट्रांसफर स्पीड का, जो टी और मी पर डिपेंड करता है, वी टी वी तीनों के मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला रख। तो हम क्या करेंगे, ये डायमेंशनल फॉर्मूला मेथड से वी टी और म्यू तीनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो पहले मैंने वी का डायमेंशनल फॉर्मूला रख दिया, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनली सी कॉल निकाल कर कॉन्स्टेंट रख देता हूँ सी, हालांकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, एक सी इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हम 1 लेंगे, तो सी कॉन्स्टेंट दे दी। टी यहाँ पे टेंसाइल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा है, देख सकते हो आप, m1 l1 t - 2 रेस टू पावर वैल्यू कितनी सपोज की ए, उसका डायमेंशन मैंने लिया ए। देन आफ्टर न्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला जो मैं यहां से लिख देता हूं कौन सा है, m1 l-1 और t 0 रेस टू कितनी पावर है t, ओके। और ये सब छोटा स्ट्रक्चरली बातें मैं आपको सेकंड चैप्टर में इतना डीप भी नहीं पढ़ाऊंगा, फास्ट फास्ट समझ सकते हो, इक्वेशन इसमें कुछ बनाना होती है, एन के डायमेंशन कंपेयर करो एल के और टी के, और तीन इक्वेशन आएगी, उन इक्वेशन से हम ए भी निकालेंगे, और ए बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां रखोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, वही फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, ओके। तो फास्ट यहां अप्लाई कर देते हैं m0 l1 t - 1 = देख सी इज इक्वल टू, हमने मान लिया 1, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 मान लो। अब यहां पे ये a है, उसे अंदर ले लोगे आप, तो यहां 1 into a दैट मीन्स a हो जाए, और यहां l की पावर हो जाएगी 1 into a मीन्स ये भी हो जाएगा, और यहां t की पावर हो जाएगी -2, ठीक है, ओके। अब यहां पे बात करते हैं, इसमें b को अंदर ले लो आप, तो m की पावर हो जाएगी b, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, और l की पावर हो जाएगी -b और t की पावर हो जाएगी 0, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 0 × b मीन्स 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, डायमेंशन को आप कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने से आप देखो यहां m का डायमेंशन क्या है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ m का डायमेंशन क्या है a, और इधर m का डायमेंशन b है, तो यहाँ हो जाएगा a + b, इसमें डॉट प्रोडक्ट है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, बीच में डॉट होगा तो यहाँ जो डायमेंशन होंगे वो प्लस हो जाएंगे पावर में, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 0 इज इक्वल टू इधर a, और बीच में डॉट है तो प्लस a प्लस b m की पावर मैंने कंपेयर करवा। इसी तरीके l की बात करें, l की पावर क्या है 1, l क्या है 1 इज इक्वल टू इधर l क्या है a, इस तरफ l -b, तो ये सेकंड इक्वेशन बन, चलो t की पावर -1 इज इक्वल टू यहाँ t की पावर -2 और यहाँ 0 देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप लास्ट वाली इक्वेशन में देख सकते हो a की वैल्यू आएगी +1/2, -1 प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या मिली +1/2, ठीक है। अब a की वैल्यू +1/2 है, अगर यहाँ तो वैल्यू पुट कर दोगे
जीरो इज इक्वल ए की वैल्यू क्या है प्लस वन का प्लस बी, तो बी की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी माइनस वन का, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको बी की वैल्यू है आप देख सकते हो, और ये वाली वैल्यू आपको मिली ए की वैल्यू। अब ए और बी दोनों की वैल्यू यहां पर आप पुट कर दोगे तो बी इज इक्वल टू सी, ये सी वाला जो कॉन्स्टेंट है ना वन लेंगे, टी की पावर क्या है टी रेस टू ए, ए कितना है प्लस वन का, और न्यू न्यू रेस टू बी कितना है माइनस वन का, तो न्यू रेस टू माइनस वन का, और सी की वैल्यू हम लेंगे कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू वन मान लेते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो बी इज इक्वल टू टी रेस टू वन हाफ, इसकी अगर वन हाफ पावर होगी तो क्या हम स्क्वायर रूट देख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट हो जाए ना, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये माइनस वन हाफ मतलब डिवाइड में जाएगा, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू बाय टू, ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसफर का फॉर्मूला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ पाया हूँ, पूरी और हफ्ता बता दू आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया रख दिया बात कर रहा, नहीं मैं आपको तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर स्पीड फाइन करना, स्पीड ऑफ ट्रांसफर स्पीड आप निकाल सकते हो किससे, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग की बात करते हैं क्योंकि उसी को हम ट्रांसफर स्पीड कहते हैं, ठीक है वो किस पर डिपेंड करता है टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी पे, बट लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास पर यूनिट लेंथ मतलब एम बाय एल। फिर मैंने क्या किया वी टी और न्यू तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला लिखी, स्पीड का भी आपको पता होगा फोर्स का भी आपको पता है और न्यू का मैंने इस फॉर्मूला से निकाल लिया, तीनों डायमेंशन रखने के बाद मैंने टी की पावर ए सपोज कर लिया न्यू की पावर बी सपोज कर लिया, फिर एम के डायमेंशन मैंने कंपेयर करवाया जीरो ए प्लस बी, फिर एल के डायमेंशन वन ए माइनस बी, फिर टी के डायमेंशन माइनस वन माइनस टू ए प्लस जीरो, तो उसमें से मुझे ए की वैल्यू मिली, वही ए की वैल्यू मैंने इस सिचुएशन में रख दी तो मुझे बी की वैल्यू मिली, और ए बी दोनों की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी और सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने वन दे दिया, तो मुझे फॉर्मूला मिला, यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था, याद रखना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए स्पीड ऑफ ट्रांसफर स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी टेंशन है फोर्स है और म्यू लीनियर मास डेंसिटी है जिसका फॉर्मूला m बाय l, तो इस तरीके की अगर कोई एग्जाम्पल आए तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, मैंने आपको इलस्ट्रेशन वन बताया था, इलस्ट्रेशन टू आपने कर दिया होगा, इलस्ट्रेशन थ्री की बात करते हैं तो इलस्ट्रेशन थ्री 15.3 तो आप देख सकते हो वो उठा लो तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता दू इलस्ट्रेशन कौन सा है, ठीक आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन 15.3 में दिया क्या हुआ है, एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ भी गिवन है उसका मास भी गिवन है और उसके ऊपर जो टेंशन स्ट्रिंग पे है टी वो भी गिवन है और आपको स्पीड फाइंड करना है ट्रांसफर स्पीड की, तो आप कहोगे सर बहुत ही इजी है बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है, मैं आपको उसे कितना बता दू मास गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है 5×10⁻³ के जी, 5×10⁻³ kg और लेंथ गिवन है एल इज इक्वल टू, मैं देता हूँ आपको दिखाने लगे एल इज इक्वल टू लेंथ है 0.72 मीटर मीटर और साथ में टेंसाइल फोर्स गिवन है 60 न्यूटन और आपको फाइंड करना है स्पीड, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो बहुत टाइम पास नहीं करूंगा, आप निकाल लेना, मैं नहीं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा क्या करूंगा, पहले क्या फाइंड करना है आपको न्यू न्यू इज इक्वल टू एम बाय एल, एम बाय एल करके आप न्यू निकाल सकते, टी गिवन है आपने न्यू फाइंड किया टी बाय न्यू करोगे स्क्वायर रूट में तो आप स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ ट्रांसफर स्पीड बहुत ही इजी आप इलस्ट्रेशन मान सकते हैं, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय न्यू, बट पहले आपको न्यू निकालना होगा जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे एम बाय, ठीक है हालांकि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, आपको कैलकुलेटर यूज करना ये काम आपका, ओके देन आफ्टर बात की जाए एक्सरसाइज का आ जाओ सीधा एक्सरसाइज करने चले जाओ, ठीक है अब एक्सरसाइज में 15.1 और 15.3 दो क्वेश्चन, 15.1 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज का 15.1 और एक्सरसाइज का 15.3 वन और थ्री दोनों क्वेश्चन है जो इसी फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय, तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो मास की वन है और टेंशन भी गिवन है मतलब टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन भी साथ में गिवन है,
फिर आपको लेंथ भी गिवन है और आपको ऐसे पूछा हुआ है कि हमें टाइम फाइंड करना है कि वन एंड से सेकंड एंड तक जो वेव्स है वो मान लो कि यहाँ पे इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, ये बड़ी स्ट्रिंग है, तो यहाँ से वेव निकला तो वेव प्रोपोगेट करता हुआ इधर कितने टाइम तक पहुंचेगा वो टाइम आपको फाइंड करना है। आप कहोगे सर टाइम को इस फॉर्मूला में कहीं पर दिखाई नहीं देता, ये टाइम किधर से कैसे फाइंड करोगे, टाइम कैसे निकालोगे, आपके पास कितनी वैल्यू गिवन है, मैं पहले वो लिखता हूँ। सोचो मास गिवन कितना, मास m इज इक्वल टू 2.5 kg, ठीक है। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, आप सॉल्व कर पाओगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कर लेना, मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक। मास गिवन है और टेंशन गिवन है, टेंशन मतलब p इज इक्वल टू 200 न्यूटन, कितना टेंसाइल फोर्स भी गिवन है। देन आफ्टर आप देख सकते हो लेंथ है 20 मीटर, लेंथ क्या है इसकी 20 मीटर, ठीक है। तो इसी तरीके का कोई वायर है, मान लो ये वायर या स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है, तो मान लो ये स्ट्रिंग मैंने बताया ना, उसकी लेंथ है। अब सोचो कि यहां से यहां तक वेव को आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, जितनी लेंथ है उतना है। तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या हुआ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। मीन्स क्या आप लिख सकते हो यही फॉर्मूला को, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय न्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, इसको क्या लगाएंगे, बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक अगर वेव को जाना है तो जितनी लेंथ है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड हो जाता है। तो वी की यहां वैल्यू लगाओ आप एल बाई टी, तो इधर आप लिख सकते हो एल बाई टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय न्यू, ओके। अब इसी में से आपको फाइंड करना है टी, अब तो आपको निकालना है, कैसे निकालोगे सर, लेंथ कहां पे 20 मीटर, टेंशन कहां पे 200 मीटर, भाई न्यू किधर, न्यू किधर है या नहीं, यस है, कैसे न्यू इज इक्वल टू एम बाय एल करके आपको पहले निकालना पड़ेगा, एम बाय एल करोगे तो पहले न्यू आएगा और टी न्यू और एल की जो वैल्यू है, टी न्यू और एल की जो वैल्यू है अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, इसमें ये वाला बॉक्स बनाता हूं, इसमें अगर आपने वैल्यू रख दी तो आप निकाल पाओगे आंसर, कौन सा आंसर आपको फाइंड करना है, टी टाइम निकालना, ठीक है। तो आप सॉल्व कर देना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 15.3, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.3, तो वो भी मैं आपको बता दूं किस तरीके से लेंथ गिवन है, मास गिवन है और स्पीड गिवन है, आपको टेंशन फाइंड करना। अच्छा लेंथ गिवन है, कितनी लेंथ है मैं आपको बता दूं, 12 मीटर, और मास भी गिवन है, एम इज इक्वल टू मास भी गिवन है 2.10 kg, और आपको स्पीड भी गिवन है और वो स्पीड आपको यूज आप देख सकते हो साउंड स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड, और आपको फाइंड करना है टेंशन, मतलब यही फॉर्मूला अप्लाई करना, सिर्फ आप क्या चेंज कर दो, पहले तो आपको न्यू निकालना पड़ेगा, पहले क्या फाइंड करना है न्यू, न्यू इज इक्वल टू एम बाय एल, न्यू फाइंड करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करो, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय न्यू, और आपको इसमें से टी फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय न्यू हो जाएगा, और आपको टी फाइंड करना है तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू बी स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ओके। पहले न्यू तो आपने फाइंड कर लिया है, वैसे टी बी की वैल्यू पता है स्क्वायर करो, तो यहां से आप निकाल सकते हो टेंशन कितना है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप एक टॉपिक और उसके तीन एग्जांपल एक साथ सॉल्व, एक ही टॉपिक था क्या, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और ये ट्रांसवर्स वेव कहां पे होता है स्ट्रिंग, और उसकी स्पीड का फॉर्मूला हमने डायमेंशन वाले जो फॉर्मूला थे मैथड थी उसी से हमने सॉल्व करके ये फॉर्मूला प्रूव किया, और उसी फॉर्मूला के बेस से मैंने एक इलस्ट्रेशन और दो एक्सरसाइज के एग्जांपल आपको सॉल्व करवाऊंगी, बात करा और टाइम पास नहीं करूंगा, और एक और स्पीड फाइंड करना है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड थियरी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और हालांकि अगर आप ये नाम न देना चाहो इसे तो आप कह सकते हो साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव ये भी कह सकते हो,
क्योंकि हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में एग्जांपल किसका लेते हैं, साउंड का। साउंड वेव को ही कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो हम कह सकते हैं साउंड वेव की स्पीड हमें फाइंड करना है, हमारा जो आवाज की रफ्तार है ना कितनी स्पीड है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव फाइंड करना है, सेम अगेन यही प्रोसेस। मैं आपको और डीप भी नहीं बताऊंगा, आप समझ गए ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ही मेथड। मैं अगेन एक फॉर्मूला प्रूव करता हूँ। तो यहाँ पे कह सकते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव वी डिपेंड्स टू बल्क मॉड्यूलस एंड डेंसिटी। इस पे डिपेंड करता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अब बल्क मॉड्यूलस क्या है, इसके लिए तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे मतलब चैप्टर नंबर नाइन याद करो। चैप्टर नंबर नाइन में आप पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस। तीन कॉन्स्टेंट थे, जो इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट थे जिसमें था बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, याद है ना। सीयरिंग मॉड्यूलस था मतलब कि तीनों मॉड्यूलस आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर नाइन में, उसमें था बल्क मॉड्यूलस जिसका फॉर्मूला भी आपको शायद याद होगा, बी इक्वल टू वन माइनस टीवी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ऐसा ये चैप्टर नाइन में आपको याद होगा आपको अच्छे से। तो बी पे डिपेंड करता है दूसरा रो, रो तो क्या डेंसिटी, रो क्या है डेंसिटी। अब मैं उसे फॉर्मूला फाइंड करना मुझे, तो बी इक्वल टू मैंने कॉन्स्टेंट रख दिया सी, और बी की पावर मैंने सपोज कर ली ए, और रो की पावर सपोज कर ली टी। अब तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं बी की बात करता हूँ स्पीड का, वो तो आपको पता ही ऑलरेडी एम जीरो एल वन टी माइनस वन। अब बी बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं, तो सर ये कहां से पता होगा, वो तो आपको पता होना चाहिए। बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पूरे चैप्टर नाइन में आपको बताया था कि एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट वाला, यंग मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस बी था, ईटा था जी, शियरिंग मॉड्यूलस था, फिर ई था प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, के बी हमने लिया था, फिर प्रेशर का यही था। मतलब जितनी क्वांटिटी आप चैप्टर नाइन में पढ़े सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था, और आपको याद होना चाहिए एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। याद नहीं है तो यूनिट याद रखना, बल्क मॉड्यूलस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मैंने निकाला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ये डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर डेंसिटी रो, डेंसिटी का तो आपको पता है ना मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास का के जी मतलब एम वन और वॉल्यूम का एल थ्री मतलब माइनस थ्री हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा एम वन एल माइनस थ्री टी जी। अब तीनों डायमेंशनल फॉर्मूला यहां रख देते हैं सी इक्वल टू वन, तो पहला रख देते एम जीरो एल वन टी माइनस वन इज इक्वल टू सी मतलब वन ले लेते हैं, और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये वाला एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू रेस टू ए, और डॉट ये रो का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो रेस टू डी। ओके, उसके बाद एम जीरो एल वन टी माइनस वन इज इक्वल टू एक अंदर ले लो एम ए एल माइनस ए टी माइनस टू ए, ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा बहुत फास्ट। फिर बी को अंदर ले लो एम बी एल माइनस थ्री डी एन टी जीरो, दोनों तरफ डायमेंशन कंपेयर करते हैं थोड़ी रफ्तार में, तो एम 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 टी में तरफ देखो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाला एल 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 तीनों कंपेयर करने वाले वन इज इक्वल टू माइनस ए माइनस थ्री डी, ये सेकंड इक्वेशन। अब टी 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 तीनों को कंपेयर करो माइनस वन इस तरफ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस जीरो, तो ये थर्ड इक्वेशन। और यहां से आंसर निकलेगा ए इज इक्वल टू प्लस वन था, एक ही वैल्यू यहां पे रख दोगे आप तो बी इज इक्वल टू माइनस वन था, ठीक है। ए और बी दोनों वैल्यू यहां पे आप रख दोगे तो बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वन है, बट बी कैपिटल बी रेस टू ए प्लस वन था और रो रेस टू बी मतलब माइनस वन था। तो यहां पर आप देख सकते हो फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B, ये प्लस वन हाफ है मतलब ऊपर आएगा स्क्वायर रूट में, और ये माइनस वन हाफ है तो नीचे आएगा। ये फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, या तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो आई होप कि आपको समझना है, हमने बहुत शॉर्ट में करवा दिया, बट ये प्रॉपरली मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए मैं थोड़ी रफ्तार बढ़ाई थी। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव भी निकाला, उसके तीन एग्जाम्पल कर दिए स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, और ये फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आप सोचो कि साउंड वेव की हमने रफ्तार निकाली किसकी स्पीड में, साउंड वेव। अब ये साउंड जो है
उसका सिग्नल मतलब कि वो साउंड आपको जैसे डिफरेंट मीडियम में अलग अलग मीडियम है तो उसका अलग अलग आवाज आपको सुनाई देगी। जैसे मान लीजिए आपको कहूँ सॉलिड बॉडी, उसमें आप कोई साउंड सुनोगे तो आपको अलग से सुनाई देगा। पानी के अंदर हो, इनसाइड के लिक्विड हो, तो वहां पे भी आवाज अलग से सुनाई देगी। या गैस है तो गैस के अंदर आवाज अलग होगी। मतलब कि मैटर की जितने भी स्टेट है, सॉलिड लिक्विड है, सब के अंदर जो साउंड सिस्टम है सब में डिफरेंट होगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप सोचो कि ये जो साउंड की बात, अगर लिक्विड के अंदर चैप्टर नंबर 9 पढ़े तो तीन कॉन्स्टेंट थे, यंग मॉड्यूलस का जो लेंथ के लिए था, याद है, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस था जिसमें एग्जांपल हमने वाटर का लिया था, मतलब लिक्विड बेस पे डिस्कशन कर रहे। तो आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे ये इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट बी रख सकते हैं तो 100% सॉलिड बॉडी के लिए यहाँ पे हम यंग मॉड्यूलस वाई भी रख सकते हैं ना कॉन्स्टेंट के लिए। जो वाई था वही बी था, जो बी था वही जी था, मतलब तीन तीन कॉन्स्टेंट थे। प्रोपोर्शनली हुक्स लॉ में लाए थे ना, चैप्टर 9 याद करो, हुक्स लॉ के तीन कॉन्स्टेंट, 1 डायमेंशनल यंग मॉड्यूलस, 2 डायमेंशनल बल्क मॉड्यूलस, 3 डायमेंशनल मॉड्यूलस बेसिकली, मतलब 1, 2, 3 डायमेंशनल नहीं था। मतलब के आपका एग्जांपल मैं कैसे दूंगा, स्ट्रेन स्ट्रेस के 3 टाइप थे ना, 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल था, वॉल्यूम था और शियरिंग था, और तीनों के कॉन्स्टेंट अलग अलग थे, वाई बी और जी, वाई बी जी याद है ना। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बल्क मॉड्यूलस है, वहां पर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं सॉलिड बॉडी के लिए वाई डिवाइड बाय रो। तो ये लिक्विड के लिए भी हो सकता है, ये सॉलिड बॉडी के लिए भी हो सकता है। साउंड वेव है, उसकी रफ्तार जो मीडियम है वो आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि गैस में इतना कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, ज्यादातर जो आपको चेंजेस दिखाई देगा तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। अगर लिक्विड बेस पे है तो बी बाय रो और सॉलिड बेस है तो वाई बाय रो। ये स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मतलब स्पीड ऑफ साउंड वेव के दो फॉर्मूला में होते हैं। अभी आई होप आपको समझ में आया होगा या नहीं आया, आया नहीं आया, ओके तो समझ में अच्छे से आया होगा। अब मैं आपको थोड़ी और डिस्कशन करने से पहले, इसे आगे बढ़ाने से पहले, इसके रिलेटेड एग्जांपल भी सॉल्व करना है, मैं आपको एक और बात बता दू। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब कि साउंड वेव, मतलब के साउंड वेव की बात कर रहा हूं, ठीक है। साउंड वेव के अंदर मैंने आपको थोड़ा उस वक्त नहीं पढ़ाया था जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर, लेकिन मुझे भी लगता है कि मुझे जो एग्जाम्पल करवाना है उसके लिए थोड़ा नहीं पढ़ा, जस्ट बता दिया क्या है। जैसे मान लो कोई स्पीकर है, ये स्पीकर है, यहां से साउंड निकला, ये स्पीकर साउंड निकला, उसमें से आवाज निकली, ठीक है। तो ये जो स्पीकर है वहां पे मैंने आपको बताया था कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो तो मेरी आवाज आप तक कैसे है। मेन जो एनर्जी थी उसने तो किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, वो पार्टिकल ऑसिलेट करने लगा, उसने आगे वाले को डिस्टर्ब किया वो ऑसिलेट करने लगा, उसने आगे वाले को डिस्टर्ब किया वो ऑसिलेट, मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल मेरी एनर्जी ट्रांसफर हुई और फिर आपको सुनाई दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो स्पीकर है वहां से जो आवाज निकली, जो साउंड निकली, उस साउंड की वजह से मीडियम में जो पार्टिकल थे उनकी सिचुएशन ऐसी की हो गई। ऐसी सिचुएशन थी पार्टिकल, मतलब हुआ कि कुछ एरिया ऐसा था जहां पे सारे पार्टिकल एक साथ बीच में पूरा कनेक्ट हो गए, जैसे साउंड वेव जैसे निकला वहां पे सारे पार्टिकल एक साथ कनेक्ट हो गए, फिर वो ऑसिलेट करने लगे, फिर दूर हुए, मतलब कि बीच में बहुत सारी गैप लगी, फिर आगे जाके कनेक्ट हुए, मतलब कि ऐसा एक पोर्शन ये वाला जहां पे सारे पार्टिकल एक साथ कनेक्ट हो गए, और इस पोर्शन को हम कहेंगे कंप्रेशन, क्या कहेंगे, कंप्रेशन, कंप्रेस होना, मतलब कि वहां का प्रेशर और डेंसिटी दोनों ज्यादा होगा, तो समझना वो मतलब कि जैसे आवाज निकली जैसे साउंड निकली इसकी तरह से यहां के पार्टिकल एक साथ मिले, मतलब बीच में इकट्ठा हो गए, और ये पार्टिकल जहां पे एक साथ मिले वहां की डेंसिटी और प्रेशर दोनों ग्रेटर, मतलब ज्यादा हो गए, ठीक है। अब ये वाइब्रेट हो रहा है जैसे कलेक्ट हुए फिर अलग भी होना, तो फिर क्या होगा कि ऐसा एक एरिया होगा, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया मैं ऊपर लिखा हूं, ये जो एरिया है, ठीक है, इसी एरिया को कहते हैं रेयर फैक्शन,
क्या कहेंगे, वेव एक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इकट्ठा हुए तो कंप्रेशन, फिर अलग हुए तो वेव एक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर वेव एक्शन, मतलब कि मिलते फिर दूर हो जाते, फिर मिलते फिर दूर हो जाते, इसी तरीके से आवाज आप तक पहुंचे। मतलब मैं इन शॉर्ट एक ही लाइन में आपको जानता हूं कि साउंड वेव मीडियम का प्रोपोगेट करती है, आप तक पहुंचती है तो कंप्रेशन रेरिफैक्शन के साथ पहुंचती है। कभी कंप्रेशन होता है, कभी रेरिफैक्शन होता है, कभी कंप्रेशन होता है, कभी रेरिफैक्शन होता है। जहां पे कंप्रेशन होगा वहां की डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज्यादा होगी, और जहां पे रेरिफैक्शन होगा वहां पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों कम होंगे। मतलब यहां पे डेंसिटी प्रेशर दोनों ज्यादा होंगे और यहां पे डेंसिटी प्रेशर दोनों कम होंगे, मतलब डेंसिटी भी कम होगी और प्रेशर भी कम, इधर डेंसिटी भी ज्यादा और प्रेशर भी ज्यादा होगा। नाम कौन तो न्यूटन सर, उन्होंने सोचा कि ये कंप्रेशन ग्रेड प्रसार के साथ साउंड वेव जा रहे हैं, इतनी रफ्तार से जा रहे हैं, स्पीड का फॉर्मूला भी तो कहीं चल गया, कंप्रेशन ग्रेड प्रसार से दोनों जा रहे हैं, इतनी रफ्तार से भी जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये पार्टिकल की मिले, ये पार्टिकल मिल रहे ना जो प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, जैसे प्रेशर का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, तो कह सकते हैं कि प्रेशर का जो वेरिएशन हुआ मीडियम में, प्रेशर का जो वेरिएशन हुआ मीडियम में उसकी वजह क्या है। तो ये प्रेशर का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ये वेरिएशन की वजह न्यूटन साहब ने बताई कि हो सकता है साउंड जो प्रोपगेट कर रहे हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से, इस वजह से आइसोथर्मल प्रोसेस की ऐसा न्यूटन साहब ने बताया। अब न्यूटन साहब ने बताया कुछ ना कुछ फॉर्मूला ये जो है वो थोड़ा कुछ ना कुछ को चेंज होगा। तो आप अच्छे से याद रखना, पहले आप एक काम करो स्क्रीन शॉट लो, और जितना स्क्रीन शॉट लेने के बाद मैंने अभी दिखवाया पहले उतार लो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला से मैं आगे वाला काम करवाऊंगा जो न्यूटन साहब वाला करना है। तो पहले स्क्रीन शॉट ले लो, पहले लिख दो, फिर आगे का वीडियो आपको देखना है, क्योंकि स्क्रीन शॉट थोड़ा रफ्तार करवाओ। आपको थोड़ी स्पीड लगे, कोई ज्यादा स्पीड तो नहीं, मैं सिर्फ दो काउंट आपको करवाया, स्पीड ऑफ ट्रांसफर से और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर से स्ट्रिंग पे दिखाई देता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें साउंड वेव है, दोनों की स्पीड के फॉर्मूला निकाले। मैं लास्ट में भी जो डिस्कस कर रहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, जो आपने देखा जो कंप्रेशन रिट्रैक्शन होते हुए, मतलब कभी प्रेशर इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ, कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ, इसी तरीके से प्रोपगेट करता है ये साउंड वेव। लेकिन ये वेरिएशन क्यों आ रहा है इसका रीजन बताया, सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूटन, इसका रीजन बताया न्यूटन का, तो मैं इसका टाइटल दूंगा न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यूटन फॉर्मूला मैंने इसका टाइटल दिया, तो न्यूटन साहब ने क्या बताया कि ये प्रोसेस हो रही है प्रेशर वैल्यूएशन की वजह क्या है, प्रेशर वैल्यूएशन जो हो रहा है मीडियम में, प्रेशर वेरिएशन जो हो रहा है मीडियम में, प्रेशर वेरिएशन इन मीडियम प्रोपगेशन ऑफ वेव आर आइसोथर्मल, ऐसा बताया किसने, ऐसा किसने बताया, ये कौन सा बताया कि ये जो प्रोसेस हो रही है वेव प्रोपगेशन की, उस प्रोसेस को मैंने आइसोथर्मल मान लिया। और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ऐसे दो वर्ड्स आएंगे, अब एक न्यूटन का फॉर्मूला है उसमें आइसोथर्मल आया ये वर्ड, और एक और आएगा लाप्लास इसके बाद वाला नेक्स्ट लाप्लास फॉर्मूला, तो उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस आएगा। ये दोनों वर्ड्स आप केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन है वो कॉन्स्टेंट रहता है। या आपको नहीं समझ पाओ तो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पर क्या PV is equal to constant, इसम बॉयल्स लॉ कहते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहता है। PV is equal to constant, याद है ना, बॉयल्स लॉ तो याद है ना, आइसोथर्मल उसे कहते हैं। अभी आइसोथर्मल पर डिस्कशन कर लेते, फिर एडियाबेटिक के बारे में बताता हूँ लाप्लास बाद में। तो न्यूटन साहब ने बताया आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल इज इक्वल टू व्हाट, PV is equal to constant, PV is equal to constant। फिर मैंने क्या किया कि इसका मैंने डेरिवेशन किया, डेरिवेशन किया है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करने किस तरीके से करेंगे, आपको प्रोडक्ट जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा,
डेरिवेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का रूल्स क्या है, तो अच्छे से समझना। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, पी प्रेशर वैसे ही रहने दे रहा है आपको, बी का डेरिवेशन करोगे तो हो जाएगा डी, बीच में आएगा प्लस, फिर आपको वी वैसे ही रहने देना और टी का डेरिवेशन करोगे तो हो जाएगा डी थ्री, इसी पर कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन जीरो हो जाएगा। एक बार लास्ट रिपीट कर दो, पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेशर वॉल्यूम का डेरिवेशन करना है, रूल्स अप्लाई किया मैंने, कौन सा मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया, कौन सा रूल अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया मैंने, और इस रूल के हिसाब से होगा क्या, पहले वाला वैसे ही रहेगा दूसरे वाले का डेरिवेशन, बीच में आएगा प्लस, दूसरे वाला वैसे ही रहेगा पहले वाले का डेरिवेशन, इसी को तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन किया, फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे ही रहेगा फर्स्ट का डेरिवेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल्स। ओके, अब ये स्मॉल चेंज के लिए हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ड्यू टू लार्ज चेंज अगर हुआ तो हमें लार्ज चेंज के लिए क्या लिख सकते हैं, इसे पी डेल्टा वी प्लस बी डेल्टा पी इसी को टू जी, भाई साहब डेल्टा की कुछ आपको याद है ना भाई, ये डी कब लिखते हो, डेरिवेटिव फॉर्म में कब लिखते हो, कुछ स्मॉल चेंज आपको याद है, इंस्टेंटेनियस वाले से क्या पढ़ते हो स्मॉल चेंजेस, लेकिन अब लार्ज चेंज के लिए तुम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा चेंज हो रहा है। ओके, अब मैंने इस स्टेप को इस तरफ ले लेता हूं, पी डेल्टा भी इसी को प्लस वाला इस तरफ ले लेगा माइनस बी डेल्टा पी हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हो पी इज इक्वल टू डेल्टा बी को मैं डिवाइड कर लेता हूँ और डेल्टा पी पहले लिख लेता हूँ, डेल्टा पी इंटू बी, ये आगे पीछे किया कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डिवाइड बाय इसे नीचे लेके जाओ डेल्टा बी। अब आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला आप कहीं देख चुके हो, ये वाला बल्क मटेरियल्स का फॉर्मूला होता है माइनस पी बी डिवाइड बाय डेल्टा बी, याद करो क्या वही फॉर्मूला है, प्रेशर में चेंज इन प्रेशर पी बी बाय डेल्टा बी सेम, मतलब क्या कह सकते हो ये पूरा माइनस के साथ जो फॉर्मूला है वो तो बल्क मटेरियल्स है, तो क्या मैं मान सकता हूं बल्क मटेरियल्स की जगह तुम क्या लिख सकते हैं प्रेशर, तो याद करो यहां हम जो फॉर्मूला लाए थे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, बी डिवाइड बाय रो था, लेकिन बल्क मटेरियल्स की जगह तुम प्रेशर रख सकते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइड बाय रो बनेगा, ये फॉर्मूला प्रूव किया न्यूटन साहब ने, पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइड बाय रो, ये फॉर्मूला न्यूटन साहब का, भाई साहब समझ रहा है क्या, सिर्फ चेंज क्या हुआ वहां से बल्क मटेरियल्स था फॉर्मूला में उधर प्रेशर आया, ऐसा किसने बताया, न्यूटन साहब ने, उनका फॉर्मूला नहीं हुआ, ये थियरी है, आपको यही लिखना होगी जो मैंने इंपोर्टेंस भेजा है उसमें आपको लिखा हूँ न्यूटन फॉर्मूला, यही है पूरा ये फॉर्मूला प्रूव किया उसका। अब आप कहोगे सर ये साउंड वेव का फॉर्मूला कुछ और आया, नीचे तो डेंसिटी है ऊपर बल्क मटेरियल्स था जहां पे सिर्फ क्या चेंज प्रेशर चेंज हुआ, तो आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 15.4 जिसमें आपको मास गिवन है 29 × 10⁻³ के जी, क्या गिवन है, मास गिवन है 29 × 10⁻³ के जी और एसटीपी का वॉल्यूम, एसटीपी को समझो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, याद है ऐसा कुछ, एसटीपी क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर और लीटर से हम अगर मीटर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³, याद रखना अंदर दिया हुआ है 22.4 लीटर बट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, और साथ में ये वैल्यू आपको पता चलेगी रेडी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर कितना हो जाएगा 180 होता है ना, 1 एटमोस्फेयर कितना होता है वो भी वैल्यू आपको पता है 1.013 × 10⁵। अब सारी वैल्यू आपको पता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइड बाय रो, ये रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो यहां पे फॉर्मूला आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइड बाय रो, क्या है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम को ऊपर लेके जाता है पी डी बाय रो, तो ध्यान से देख यहां पे प्रेशर गिवन है इधर, वॉल्यूम गिवन है इधर, मास गिवन है इधर, ये वैल्यू तीनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पढ़ो और आप स्पीड निकाल सकते हो जिसका आंसर आएगा 280
निकालो आंसर, कैलकुलेटर आपके पास है, बी का परसेंट पता क्या। मैंने इलुस्ट्रेशन भी करवाया साथ में थियरी भी, पता क्या कि जब साउंड वेव प्रोपगेट कर रहे हैं कंप्रेशन रिफ्रैक्शन प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो साउंड वेव की रफ्तार इतनी होना चाहिए, ये प्रूव कर दिया कितनी 280 मीटर पर सेकंड पक्का समझे। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तब की बात कर रहा हूं, और अगर ये आंसर राइट नहीं है तो आइसोथर्मल नहीं हो। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो साउंड की रफ्तार इतनी होना चाहिए, लेकिन पता ही चला प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली जब अगर ये वैल्यू निकालेगी प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ साउंड में की वैल्यू फाइन की गई, स्पीड ऑफ साउंड वेव की वैल्यू प्रैक्टिकली जब फाइन की गई या लैब में फाइन की गई तो उसकी वैल्यू थी 331 मीटर पर सेकंड। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई, ये मैंने प्रॉब्लम बताया क्या प्रॉब्लम कि रियल में साउंड वेव की रफ्तार इतनी होना चाहिए, लेकिन मैंने न्यूटन साहब की बात मानी तो साउंड वेव की रफ्तार इतनी मिली, मतलब कि इसमें डिफरेंस आया न्यूटन साहब कर उनके थोड़ी बात। अगर साउंड प्रोपगेट कर रहा है कंप्रेशन रिफ्रैक्शन के फॉर्म में वेरिएशन के साथ प्रेशर के, तो अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये स्पीड का आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, ये तो 280 आया, होना चाहिए 331, तो ये तो गलत हुआ, मतलब कि ये तो पक्का है कि ये जो प्रोसेस है ना वो आइसोथर्मल नहीं हो सकता। तो न्यूटन साहब तो गलत नहीं थी, क्योंकि एक और साइंटिस्ट होना चाहिए जो इसे राइट तो करके दिखाए, इसीलिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है लाप्लास, आप देख सकते हो करवैक्शन, इसका टाइटल इस तरीके से कुछ लगाया हुआ है लाप्लास करवैक्शन। और ये भाई साहब ने यही स्टेटमेंट फिर से दोहराया, कौन सा प्रेशर वेरिएशन इन मीडियम प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव आर नॉट आइसोथर्मल, इसका आइसोथर्मल बताया ना, इसका आइसोथर्मल नहीं, इसमें क्या था एडियाबेटिक, ऐसी प्रोसेस पता है इसमें एडियाबेटिक, या आप इसे कह सकते हो हीट कॉन्स्टेंट रहना, जैसे इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था ना, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, और ये एडियाबेटिक का मतलब होता है हीट कॉन्स्टेंट रहना, और ये एडियाबेटिक आइसोथर्मल ये बहुत सारा केमिस्ट्री में नहीं पड़े, उनके सामने सोचा कि सब केमिस्ट्री में सब कुछ आया ही नहीं, रसायन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में होगा, और नहीं पड़े तो फिजिक्स में 12th चैप्टर है, उसमें 12.8 वाला पोर्शन देखना जिसमें थियरी है, देख सकते हो आपके पास बुक है 12.8 में एक थियरी है जिसका नाम है कार्नोट एंजिन, कार्नोट एंजिन उसमें ये दोनों प्रोसेस आएगी आइसोथर्मल पीवीसी कॉन्स्टेंट, और एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है पीवी रेस्टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब यहां पीवी है और यहां वी की एक पावर रहती है गामा कहते हैं, वी की एक पावर होगी जिससे हम क्या कहते हैं गामा, पीवी रेस्टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पावर में लिखा हुआ नहीं समझ रहे हो, ये गामा अल्फा बीटा गामा ये सब आपको ऑलरेडी पता ही है, मैंने वो एक्सपांशन में आपको लेते ना कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन सरफेस एरियल एक्सपांशन वॉल्यूम एक्सपांशन किया, तो ये गामा हीट के लिए होता है, इसके लिए होता है हीट के लिए। अब मैं आपको कह दूं कि डायटोमिक गैस क्या है, वन डायमेंशनल गैस क्या है, आपको प्रॉब्लम ही हुई थी, लेकिन आप काइनेटिक के जो गैसेस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 तो आपको उसमें सब कुछ पता चल जाएगी, वन डायमेंशनल गैस क्या है, टू डायमेंशनल क्या है, थ्री डायमेंशनल क्या है, तो ये सब बातें आपको चैप्टर 13 में पता चलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे जिस तरीके से पीवीसी को कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन किया उसी तरीके से इसका करूंगा, अगेन डेरिवेशन करेंगे ठीक है, और डेरिवेशन करेंगे तो फिर से अगेन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का अप्लाई मल्टीप्लीकेशन रूल ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में बहुत डिफरेंट होगा, ये मैंने इजीली डेरिवेशन कर दिया क्योंकि यहाँ पे तो पावर नहीं थी, इसमें पावर है, तो पहले क्या करूंगा बहुत ध्यान से देखना, इसका अगर डेरिवेशन आप समझ गए तो आज का लेक्चर खत्म, इसका डेरिवेशन आप समझ गए तो आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पहले से क्या करूंगा मैं, ये पी अलग से है, वी रेस टू गामा अलग से, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करूंगा तो पी वैसे ही रहने देता हूं, तो मुझे डेरिवेशन किसका करना है, वी रेस टू गामा, तो वी रेस टू गामा में हम पावर का रूल अप्लाई करेंगे तो गामा पावर आ जाएगी, वी रेस टू
पावर में से एक और माइनस करें, डेरिवेशन का पावर का वैल्यू तो आपको पता है ना, एक्स रेस टू एन होता था, तो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन करके मतलब पावर आगे आ जाती थी, पावर में से एक माइनस वन करना पड़ता था, वैसा ही सेम हुआ, गामा पावर है आगे माइनस वन कर। और फिर क्या किया तो भाई साहब ये डेरिवेशन आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब टाइम के रिस्पेक्ट में होता, टाइम के रिस्पेक्ट में है और टाइम यहाँ है तो आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना तो आपको फिर से यहाँ वॉल्यूम का भी डेरिवेशन करना पड़ेगा। मान लो ऐसा मान लो थ्री रेस टू थ्री डी बाई डी टी, तो आपने इसका डेरिवेशन क्या किया, थ्री टी रेस टू थ्री माइनस वन, ओके तो आपने आंसर लिख दिया थ्री टी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में टी था इसलिए ये आंसर है। लेकिन अगर मैं यहाँ बी कर देता, अगर मैं यहाँ बी कर देता तो आप पावर का रूल पे अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना पड़ता है डी टी बाई डी बी, क्योंकि यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में टी नहीं है बी था सेम, तो मैंने क्या किया पावर का रूल पे अप्लाई किया, लेकिन इसका अलग से डेरिवेशन मुझे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अभी तो मैंने सिर्फ टी को वैसे नहीं किया, इसका डेरिवेशन वहां तक पहुंचा, अब बीच में क्या आएगा प्लस, अभी तो मल्टीप्लिकेशन का पूरा रूल्स बाकी है, ठीक है बी रेस टू गामा वैसे ही रहेगा और टी का डेरिवेशन होगा डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जीरो। ये स्टेप बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक बार फिर रिपीट कर दू, टी वैसे ही रहेगा, बी रेस टू गामा का डेरिवेशन किया, गामा पावर है आगे लिया माइनस वन, लेकिन बी का फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा प्लस, ये स्टेप वैसे ही रहेगा और ई का डेरिवेशन तो इसको भी कॉन्स्टेंट का जीरो। अब मैं क्या करूंगा इस वाले स्टेप को माइनस कर लूंगा, तो टी गामा बी गामा बी रेस टू गामा माइनस वन डी इक्वल टू, ये प्लस वाला उस तरफ माइनस कर देगा माइनस वी रेस टू गामा डी, अगेन ड्यू टू लार्ज चेंज, जैसे यहां पर डी की डी को मैंने डेल्टा लिखा हुआ था वैसे यहां पर मैं कर लूंगा टी गामा b रेस टू गामा माइनस वन डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस बी रेस टू गामा डेल्टा टी। अब याद रखना आगे वाले कुछ स्टेप है, क्योंकि लाप्लास कन्वर्जन भी आपको थ्योरेटिकल में पूछा हुआ है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो किस तरीके से अब आगे वाले स्टेप का मैं दोनों तरफ b रेस टू गामा माइनस वन से डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ किससे डिवाइड किया बी रेस टू गामा माइनस वन से, तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे सर ऐसा क्यों करना पड़ा, सिर्फ आपको इतना बताता हूं कि इस वाले फॉर्मूला में यहां पे बी की पावर नहीं थी, इस वाले फॉर्मूला में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो क्या है गामा, मतलब जो पावर है वही तो डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं मुझे गामा को निकालना है, तो यहां पे था क्या गामा माइनस वन, तो मैं अगर ऐसा ही स्टेप डिवाइड में लिख देता हूं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं तो एक साइड पर लिख नहीं सकते, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, इधर भी लिख दिया क्यों डिवाइड क्या समझता, अब देखो ये दोनों कैंसिल, तो इधर बचेगा क्या पी गामा डेल्टा वी इज इक्वल टू, इधर क्या होगा माइनस डेल्टा वी रेशियो, अब ध्यान से देखिए इधर भी वी है, दोनों में बेस भी है, इसकी पावर है गामा, इसकी पावर है गामा माइनस वन, तो बेस सेम है और डिवाइडेशन में है तो ऊपर पावर माइनस हो जाएगी, मतलब कि वी की ऊपर पावर क्या है गामा और ये वाली पावर ऊपर माइनस हो जाएगी, मतलब माइनस गामा माइनस माइनस प्लस वन, तो प्लस गामा माइनस गामा कैंसल हो गया, बी की पावर क्या बची वन, तो वन लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, तो हो जाएगा पी गामा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डी हो जाएगा, और ये डेल्टा वी को डिवाइड में ले लो तो पी गामा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी वी डिवाइड बाय डेल्टा वी, तो आप देख सकते हो अगेन ये तो बल्क मटेरियल माइनस पी वी बाई डेल्टा वी बल्क माइनस, तो ये तो बी हो गया, तो पी गामा इज इक्वल टू बी हो गया, ये लाप्लास रे का रिएक्शन था, अगेन फॉर्मूला यही रिपीट कर देंगे, और तो बी इज इक्वल टू साउंड वेव का फॉर्मूला क्या था स्पीड ऑफ साउंड वेव बी बाई रूट था, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम रख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पी गामा डिवाइड बाय रूट, ये फॉर्मूला बनाया लाप्लास साहब ने और इसमें गामा की वैल्यू बताई उन्होंने सेवन बाय फाइव, क्या बताइए सेवन बाय फाइव, आपको कुछ नहीं करना, ये जो एग्जाम्पल सॉल्व किया फिर से आपको सॉल्व करते ये एग्जाम्पल क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे रो तो आपको पता है कैसे निकालोगे, यही मास लेना है आपको एग्जाम्पल, यही वॉल्यूम लेना है, प्रेशर भी यही देना, मास वॉल्यूम प्रेशर तीनों से,
और सिर्फ क्या ऐड होगा ये गामा जिसकी वैल्यू 7/5 है वो आप ऐड करवा दो इसमें तो आपको वेलोसिटी मतलब स्पीड का आंसर मिलेगा 331.3 मीटर पर सेकंड जो अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं 331 मीटर पर सेकंड। कुछ स्टूडेंट को तो अच्छे से समझ में आया होगा कि साउंड वेव का प्रोपोगेटर होना कंप्रेशन रिफ्लेक्शन के फॉर्म में वेरिएशन प्रेशर के साथ अगर आइसोथर्मल अगर न्यूटन साहब की बात राइट है तो आंसर इतना आना चाहिए लेकिन आया इतना प्रॉब्लम नहीं। फिर इसका भाई साहब ने बताया कि ये आइसोथर्मल नहीं ये प्रोसेस होना क्या चाहिए एडियाबेटिक। उसने एक और फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला को अंदर रख दिया तो गामा ऐड हुआ ये वैल्यू ऐड करने के बाद आंसर निकाला तो इतना है जो अप्रोक्सीमेट उसके करीब मतलब इतना ही था तो माना ये गया कि न्यूटन साहब गलत और लाप्लास साहब राइट है। साइंटिस्ट है वो राइट है उन्होंने बताया कि हाँ ये जो प्रोसेस हो रही है वो एडियाबैटिक ही होना चाहती है। इसका मतलब लाप्लास राइट न्यूटन साहब गलत ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर बहुत टाइम हो चुका होगा मैं थोड़ा फास्ट आपको बता दूं आज चार टॉपिक पर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव न्यूटन फॉर्मूला लाप्लास फॉर्मूला। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के तीन एग्जांपल थे न्यूटन फॉर्मूला आपने ग्रो किया उसका एक एग्जांपल था और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव से मैंने कोई एग्जांपल ग्रो किया नहीं बट लास्ट में मैंने अभी बताया जो आपको लाप्लास सेवरी करेक्शन कि न्यूटन साहब गलत है आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होना चाहिए एडियाबेटिक होना चाहिए मतलब कि साउंड वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है प्रेशर चेंज होने का रीजन वेरिएशन का रीजन आइसोथर्मल नहीं एडियाबेटिक। और स्पीड ऑफ साउंड वेव का जो आंसर निकाला 331 मीटर पर सेकंड। अगर इस तरीके की फॉर्मूला आप नींद में यूज करो डीडब्ल्यू में यूज करो याद रखना स्पीड ऑफ साउंड वेव 330 ही आपको लेना है 111 लेने की कोई जरूरत नहीं 330 लोगे तो आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आया तो बहुत टाइम दे दिया मैंने अभी और दो वीडियो हो सकते हैं इस चैप्टर की चैप्टर खत्म हो जाएगा पढ़ते रहना कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो फिर से चेक कर लेना और समझ में आ जाए तो मैसेज जरूर कीजिए। थैंक यू।